विराज करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशी मानसू ब्लॉग। तो भाई आज मैं खड़ा हूँ इस वक्त शालीमार बाग मेला। मैं आपको रामलीला मेला दिखाने वाला हूँ पूरा, साथ में आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से आ सकते हैं मेला में, क्या क्या झूले मिल जाते हैं आपको देखने को, और भी साथ में आपको खाने में क्या क्या वैरायटीज मिलने वाले हैं, इस बार कौन कौन से स्टॉल लगे हैं, सारी जानकारी इसमें आपको देने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि पार्किंग की क्या फैसिलिटी मिल जाती है अगर आप कार या बाइक से आते हैं, तो सारी जानकारी दूंगा। अगर आप आए चैनल में पहली बार कर लेना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं सामने लगा है मेला, और ये जो बैक साइड आप देख रहे हैं ये रहने वाली है पूरी पार्किंग। पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग के बाहर ही आपको इस तरीके से मेले के बच्चों के लिए यहाँ पे खिलौने वगैरह मिल जाते हैं, गधे वगैरह तलवार वगैरह ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं मैं आपको रामलीला मेला दिखाने लाया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ शालीमार बाग रामलीला कमेटी। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं बोर्ड, यहाँ से मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ रामलीला के बारे में। इधर आप देख रहे हैं शालीमार बाग रामलीला कमेटी। एड्रेस की बात करें तो ये आपका रहने वाला है BH 34 शालीमार बाग। बाकी अगर बात करें ये कब से चालू हुआ था, तो भाई ये 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन चालू हुआ था। अगर बात करें टाइम की तो भाई ये डेली आपको देख सकते हो 6 बजे से ले करके डेली शाम को 10 बजे तक ये आयोजन किया जाता है। तो आपको डेली यहाँ पे 8 बजे रामलीला चालू हो जाती है, जो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। सारे आपको बच्चों के लिए इस तरह से खिलौने मिल जाएंगे, काफ़ी सारी गेम्स वगैरह मिल जाएगी बच्चों के लिए, खिलौने वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं ये है यहाँ का मेन एंट्री गेट। आइए अंदर चलते हैं और सारी जानकारी आपको इस मेले के बारे में देते हैं। आपको मेले से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी पूछना हो आप जाके पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं, यहाँ से आपकी सबसे पहले चेकिंग होती है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से एंट्री करके आ चुके हैं। सबसे पहले इधर आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रेम्पलिन पार्क मिल जाता है, और साथ में ही आप देख रहे हैं इधर आपको कार वाला झूला मिल जाता है छोटे बच्चों के लिए, कार वाली राइड रहने वाली है। इस तरीके से छोटे बच्चे आपके साथ आते हैं तो वो इंजॉय कर सकते हैं। इसी झूले के बगल में देखो दोस्तों आपको मिल जाता है इधर जायंट व्हील देखने को, उसी के बगल में रहने वाला है कोलंबस, बहुत ही बड़ा कोलंबस, बहुत ही बड़ा जायंट व्हील है, सबसे बड़ा साइज है। एक बार चलिए आपको टिकट प्राइस बता देते हैं क्या रहने वाली है इनकी। दोस्तों इधर आप देख रहे हैं जायंट व्हील और साथ ही में कोलंबस। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये रहने वाली है भाई 150 रुपये। 150 रुपये में आप दोनों झूले इंजॉय कर सकते हैं। बाकी इधर आप देख रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, देखो ये जो राइड आप देख रहे हैं कार राइड, इसके जो रेट रहने वाला है वो है 70 रुपये। तो भाई छोटे बच्चों की सारी राइड जो यहाँ पे रहने वाली है वो 50 से 70 रुपये रहने वाली है, और बड़ों लोगों की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 100 से 150 रुपये तक। ये छोटे बच्चों के लिए देखो ये वाली राइड भी रहने वाली है, इसके भी 70 रुपये है। ये देखो इधर आपको छोटे बच्चों के लिए भी कोलंबस मिल जाते हैं, जिसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं, 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं छोटे भी बैठ सकते हैं, इसका रहने वाला है 70। इधर आप देख रहे हैं ब्रेक डांस, भाई ब्रेक डांस के भी 150 रुपये रहने वाले हैं। तो भाई इधर आप देख रहे हैं देखो ये वाला झूला भी मिलने वाला है, इसके भी 150 रुपये रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हमें कुछ सब्सक्राइबर मिले आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई हमारी वीडियो देखते हैं। तो भाई यहीं आसपास रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। कैसा लग रहा है मेला, मजा है इधर? बढ़िया मजा आ रहा है। तो भाई इनको भी मजा आ रहा है, अभी तक कोई झूला नहीं, अभी झूला नहीं, अभी देख रहे हो, अभी देख रहे हैं भाई, देख के एंजॉय कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? फिर झूलोगे? अच्छा अभी पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी पूरा देख रहे हैं कि कौन सा झूले, फिर झूलेंगे। मजेदार है, मजेदार, मजा आ रहा है भाई। चलो भाई एंजॉय करो। बाकी इधर आप देख रहे हैं ये वाली ड्रैगन राइड, ये देखो सामने जो आप देख रहे हैं, इसके भी 150 रुपये रहने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें भी। बाकी देखो यहाँ पे ये है एरोप्लेन वाली राइड, काफ़ी मज़ा आता है इसमें भी, इसके भी 150 रुपये है। तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी बड़ी है ना बड़ों वाली गेम यहाँ पे झूले हैं सबके 150 रुपये ही है। भाई ये जो आप देख रहे हैं इसके भी 150 रुपये रहने वाले हैं एरोप्लेन वाले राइड के, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे टॉय ट्रेन मिल जाती है, इसके 50 रुपये रहने वाले हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे कम से कम आपको 8 से 10 झूले मिल जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे एलिफेंट राइड मिल जाती है, इसके 70 रुपये रहने वाले हैं। बाकी और देखते हैं, यहाँ पे आपको पापड़ मिल जाएगा इस तरीके से, पूछ रहे थे क्या रेट आने वाला है, कितने का है भैया, कितने का है? 20 का एक पापड़ आपको मिल जाएगा। इधर आपको ये वाला झूला भी मिलने वाला है, इसकी अगर बात करें रेट की तो भाई ये रहने वाला आपका 150 रुपये।
आपको बुल राइड मिल जाती है, इसके भी भाई 100 रुपये रहने वाले हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एरोप्लेन राइड भी रहने वाली है, यहाँ पे छोटे बच्चे आपके साथ आएंगे वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी एक ये कार वाली राइड है जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए इधर कलरफुल देखो कोलंबस भी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। बाकी ये देखो एक ये भी है टेडी बियर है, 5 मिनट के इसके रहने वाले हैं 100 रुपये। बहुत ही अच्छा ये लगा इस बार यहाँ पे मेला। अगर आप शालीमार बाग रहते हैं, आसपास एरिया में रहते हैं, पीतमपुरा रोहिणी में, तो आप इस मेले में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेला लगा है, बहुत ही कलरफुल है। एंट्री टिकट की अगर बात करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 भी रुपये नहीं देने। अंदर जो भी पैसे लगने वाले हैं आपके पास खाने और घूमने के ही लगने वाले हैं, झूले वगैरह के। बाकी काफ़ी बढ़िया मेला है, काफ़ी बड़ा मेला लगा है, तो आप इधर आ सकते हैं। इधर मिलने वाला आपको और ट्रैम्पलिन भी। बाकी छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे टेडी बियर रहने वाला है जिसको आपको 100 रुपये रहने वाले हैं 5 मिनट के इसमें। लेकिन 8 साल से ऊपर के बच्चे नहीं जा सकते, तो 8 साल से कम के जितने बच्चे वो जा सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं इस बार ये वाला झूला भी मिलने वाला है आपको, छोटे बच्चे इसमें इंजॉय कर सकते हैं। इसमें क्या है एक्टिविटी वगैरह है, जो एक तरीके से टेडी बियर आप इधर देख रहे हैं उसी तरीके के यहाँ पे एयर भरी गई है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ सकता है बच्चों को। तो दोस्तों मैंने आपको सारे झूले वगैरह दिखा दिए, किस तरीके के यहाँ पे आपको शालीमार बाग में मेले में मिलने वाले झूले। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको फूड काउंटर में जा करके, यहाँ पे आपको फूड में क्या क्या वैरायटीज मिलने वाली है इस बार। आप देख रहे हैं 360 डिग्री, यहाँ पे आप फोटो और वीडियो वगैरह बना सकते हैं। खाने में जाने से पहले सबसे पहले आपको इधर आइसक्रीम मिल जाती है। आइए अब एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन कौन से काउंटर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप इधर देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाती है सौफ, ये सब चीज़ें मिलने वाली है। ये देखो इस तरीके से वैरायटीज मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे आपको फ्लेवर्ड पान मिलने वाले हैं, तरह तरह के फायर पान, चॉकलेट पान, स्ट्रॉबेरी पान, काफ़ी सारी वैरायटीज मिल जाएगी इधर आपको इस वाले काउंटर पे। इधर आप देख रहे हैं ये है गन शॉट गेम, यहाँ पे आप गन शॉट भी इंजॉय कर सकते हैं, 100 रुपये में 10 चांस आपको मिलता है। बाकी इधर आप देख रहे हैं लिखा है सियाराम नन्नूमाल, यहाँ पे आप कुल्फी खा सकते हैं। काफ़ी सारे कुल्फी में आपको वैरायटीज मिल जाती है, एक बार आपको पास से दिखाता हूँ, आप कुल्फी की वैरायटीज पढ़ सकते हैं। देखो आप देख रहे हैं कूपन काउंटर यहाँ पे है, हर स्वरूप मान सिंह हलवाई का काउंटर। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये इनका पूरा देखो यहाँ से वहाँ तक स्टॉल लगा है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज मिलने वाली है, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देख रहे हैं सबसे पहले आपको गुलाब जामुन इनके मिल जाता है, 100 रुपये में 2 पीस रहने वाले हैं। बाकी इधर आपको जलेबी मिल जाती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाइनीज़ खा सकते हैं इस वाले काउंटर पे, जिसमें आप देख रहे हैं काठी कबाब और रुमाली रोटी मिल जाता है। काठी कबाब रुमाली रोटी इधर आपको मिल जाता है 300 रुपये में। बाकी इधर आपको नूडल्स मिल जाता है, चाउमीन। तो ये सब आप इधर वैरायटीज पढ़ सकते हैं, सबका रेट वगैरह लिखा है। इधर आप मिक्स फ्रूट कुल्चे खा सकते हैं, नहीं इधर लिखा है मिक्स फ्रूट कुल्ले, पता नहीं क्या होता है, नई डिश है कोई, 200 रुपये में 7 पीस मिलने वाले आपको, तरीके का होता है। यहाँ पे आपको मूंग दाल चीला मिल जाता है, पाव भाजी मिल जाता है, सबका इधर आप रेट पढ़ सकते हैं। तरफ आप देख रहे हैं ये है रामलीला का मैदान, मैं आपको दिखाता हूँ भाई रामलीला, आपको दिखाता हूँ किस तरीके के अंदर रामलीला हो रही है। आ गए अंदर, देखो कितनी कलरफुल बनाई गई है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे एंट्री गेट बनाया गया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। रामलीला का आयोजन यहीं पे किया गया है, इस वक्त यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अभी यहाँ पे सब लोग खाने वाले स्टॉल पे हैं। सामने आप देख रहे हैं यहीं पे रामलीला होती है, डेली अगर बात करें तो डेली 8:30 बजे यहाँ पे रामलीला शुरू हो जाती है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, सबसे पहले आगे जो दो ये रहने वाली है, दो लाइन रहने वाली है, वो है VIP के लिए, बाकी पीछे है आम जनता के लिए। डेली यहीं पे आयोजन होता है, आप 8:30 बजे यहाँ पे आके बैठ के आराम से रामलीला देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्टेज वगैरह सजाई है, देखो बहुत ही सुंदर है। इधर आप देख रहे हो ये देखो रावण को तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें रावण भैया मिले, ये हंस के दिखाएंगे, देखो यहाँ पे करो, हा, करो, विराज करो।
तो भाई देखा आपने, हमने आपको रावण भी दिखाया यहाँ पे। रावण अभी तैयार हो रहा था, उसने हंस के भी दिखाया कि भाई बोल रहा था कि आपको रावण की तरह हंसना भी पड़ेगा, तो हम हंसे भी, ट्राई किया अपनी तरफ से। मेला खत्म होने के बाद बच्चे लोग जिद करते हैं कि पापा खिलौना वगैरह दिलाओ, तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पे खिलौने वगैरह मिल जाते हैं। भोपू मिल जाता है, फायर गन वगैरह, फायर गन नहीं है, गन होती है बेसिकली, गदा, ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है। काफ़ी सारा सामान भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको पूरा मेला दिखाया है शालीमार बाग में जो आयोजन किया गया, काफ़ी बढ़िया मेला लगा। अगर आप शालीमार बाग या फिर उसके आसपास पीतमपुरा रोहिणी रहते हैं तो भाई आइए अपनी फैमिली बच्चों के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए झूले मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा खाने के आइटम मिल जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चैनल में आए थे पहली बार कर लेना सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।